हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाखा। और मैं हूँ विशाखा। आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ ये हिमालय का स्क्रब। स्क्रब कितना लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, स्क्रब क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, तो मैं आज आपको अपने वीडियो में ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रब होता क्या है। स्क्रब एक एक्सफोलिएशन प्रोसेस है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड शाइनिंग बनाता है, और इसमें मॉइस्चराइजर भी होता है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। दूसरा है कि आपको स्क्रब क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो स्क्रब करने से आपके फेस पे जो ब्लैक हेड एंड डेड सेल्स हैं वो हट जाते हैं। ये फेस को चमकदार बनाता है और आपके जो फेस पे बाल आते हैं उनको बढ़ने से रोकता है। आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं उनको हटाने का काम करता है, जिससे आपकी स्किन हेल्थी हो जाती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको लगाते हो तो आपके लिए नुकसानदायक भी है, आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है ये। अब हमें पता होना चाहिए कि मंथ में स्क्रब को कितनी बार लगाना चाहिए या वीक में आपको कितनी बार स्क्रब को यूज़ करना चाहिए। वीकली आपको स्क्रब को 2 बार यूज़ करना चाहिए और मंथली आपको 4 बार। वैसे तो कुछ लोग हैं कि इसको मंथ में 4 की बजाय 8 बार भी लगाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। स्क्रब कितनी देर लगाना चाहिए आपके स्किन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, तो आप इसको 4-5 मिनट तक भी लगा सकते हो, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको 1.5 या 2 मिनट तक ही लगा सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। सबसे अच्छा स्क्रब कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा स्क्रब होता है एवरयूथ का, हिमालय का एंड मामा अर्थ का। ये 3 बहुत अच्छे होते हैं, तो इन तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और या आपको अगर और कोई सूट करता है या आपको और कोई अच्छा लगता है तो आप कोई सा भी स्क्रब आप ले सकते हो। मेरे पास ये हिमालय का स्क्रब है तो मैं आज यही यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसे अपने फेस पे अब अप्लाई करती हूँ। स्क्रब लगाने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से धो लेना है, तो मैं इतनी क्वांटिटी लेती हूँ। आपको इसे अपने आईज एंड अंडर आईज पे नहीं लगाना है एंड आपको इसको होंठ पे भी नहीं लगाना है। इसे हम अपने गर्दन पे भी लगाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ करके। ऐसे लगा सकते हो। तो अब मेरे 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको पानी से धो लूंगी। मैंने अब अपने फेस को धो लिया है, और स्क्रब करने के बाद अपने फेस पे आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाना, इससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।